हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज। मैं इंदु यादव और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको स्विचर्स के बारे में, जो कि ओटी में कौन कौन से स्विचर्स यूज़ होते हैं, उनके क्या नेम्स हैं, वो कब एब्जॉर्ब होते हैं, कब नहीं एब्जॉर्ब होते, कितना टाइम लगता है, ये सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्विचर्स कहते किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्विचर्स क्या है, स्विचर इज अ स्टिचेस अथवा सीरीज ऑफ स्टिचेस रहते हैं, और ये जो वूड्स रहते हैं, जो ट्रॉमेटिक वूड्स रहते हैं, सर्जिकल वूड्स रहते हैं, उनके जो एजस रहते हैं, उनकी पोजीशन को सिक्योर करने का काम करते हैं। ओके, तो इसके जो गोल है, हम क्यों स्टिचेस करते हैं, तो हम स्टिचेस इसलिए करते हैं ताकि जो ओपन वूड्स हैं वो क्लोज हो सके, जो हिमोस्टेसिस है वो मेंटेन हो सके, ब्लीडिंग नहीं हो। इसके अलावा जो अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उसको भी हम हिमोस्टेसिस कर सकें, उसे भी क्लोज कर सकें, ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके। तो इन सब चीज़ों के लिए हम स्विचर्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें मेनली टू टाइप्स के स्विचर्स रहते हैं, एक एब्जॉर्बेबल रहता है और एक नॉन एब्जॉर्बेबल रहता है। जो एब्जॉर्बेबल स्विचर्स रहते हैं उसमें जो स्विचर्स आते हैं वो जैसे कि वाइक्रिल, ये हमारा एब्जॉर्बेबल में आता है, क्रोमिक कैटगेट, वी लॉक स्विचर्स, पीडीएस, ये सारे जो स्विचर्स रहते हैं वो एब्जॉर्बेबल स्विचर्स में आते हैं। इनकी जो एब्जॉर्ब करने की जो टाइम पीरियड रहता है वो 1 वीक से 2 वीक्स का ही रहता है। 1 वीक्स और 2 वीक्स में ये स्विचर्स हमारे जो रहते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए ये जो स्विचर्स है उनका यूज़ जो हम करते हैं वो इंटरनल मसल्स वगैरह में या कोई ब्लीडिंग को बंद करने में, ब्लीडर्स को बंद करने में हम इसका यूज़ करते हैं। और जो नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स रहते हैं वो हम लोग स्किन में क्लोज करने के लिए बंद करते हैं, क्योंकि जो नॉन एब्जॉर्बेबल रहते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते, तो उसे हम आउटर स्किन में लगाएंगे, उससे क्या होगा कि हम 1 वीक बाद उस स्विचर्स को निकालेंगे। कुछ ऐसे स्विचर्स भी रहते हैं जिसे हम इंटरनली यूज़ करते हैं, जिन्हें हमें कभी निकालने की ज़रूरत ना पड़े। अगर जैसे कि मैस को प्लेस करना, अगर हम मैस को एब्जॉर्बेबल स्विचर्स से फिक्स करेंगे तो वो कुछ दिन बाद क्या होगी कि जो मैस रहेगी वो हमारी अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगी। इसलिए उसको परमानेंटली फिक्स करने के लिए हमेशा हम नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्विचर्स होते हैं, उनके क्या नाम है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्रोमिक कैटगेट। क्रोमिक कैटगेट, ये इसमें 10 आता है, 20 आता है, इसमें कई तरीके के आते हैं। इसमें जो नीडल रहती है वो राउंड बॉडी नीडल रहती है। इसमें आप देख रहे होंगे एक छोटा सा राउंड सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका जो टिप है वो राउंड में है, ठीक है। तो ये हमेशा इंटरनल्स में यूज़ करते हैं। अगर ये टैपर्स नीडल में होगा तो ये जो है ना स्किन को मसल्स को बाइट करेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग्स और ज़्यादा हो सकती है। तो हमेशा जो इंटरनल हम स्विचर्स यूज़ करते हैं वो राउंड बॉडी पे यूज़ करते हैं, ये एब्जॉर्बेबल स्विचर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वी लॉक। वी लॉक जो स्विचर्स रहता है, ये जैसे कि ये 30 है, इस पर 20 भी आते हैं, ये भी एब्जॉर्बेबल स्विचर्स है और ये भी हमारा राउंड बॉडी में ही आता है, ये हाफ सर्कल नीडल है। तो राउंड बॉडी जो भी इंटरनल रहता है वो मैंने आपको बताया कि राउंड बॉडी यूज़ करते हैं ताकि और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और स्किन जो है ना बाइट ना कर सके। नेक्स्ट देखते हैं वी लॉक स्विचर्स, ये 20, ये काफ़ी कॉस्टली ये स्विचर्स आते हैं, ठीक है। इनका टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इरिटेट नहीं करते मसल्स में। ये भी 20 है, इसका भी देखें, ये भी राउंड बॉडी हाफ सर्कल पे है। नेक्स्ट इसमें जो इसके जो थ्रेड है वो जो है ना ऑटोमेटिकली लॉकिंग सिस्टम इसमें रहता है, जैसे ही जैसे जैसे हम इसको लगाते जाएंगे और खींचते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली वहाँ से लॉक कर देगा। मीन्स अगर हम लूज़ भी करेंगे तो जो स्टिचिंग होगी वो लूज़ नहीं होगी, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइक्रिल। वाइक्रिल ये पर्पल कलर का आता है, कंपनी अलग अलग हो सकती है लेकिन जो इसका कलर है वो पर्पल ही रहता है, वायलेट कलर ही रहता है। ये भी देखिए राउंड बॉडी में आता है, इसे भी हम इंटरनली यूज़ करते हैं। तो इसका जो है ये 90 सेंटीमीटर है इसका है, और इसे भी इंटरनल ये 1 वीक या 2 वीक में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम देखते हैं स्किन में कौन कौन से स्विचर्स यूज करते हैं और नॉन एब्जॉर्बल कौन से। तो ये जो हमारे 3 दिख रहे हैं और ये सारे हमारे नॉन एब्जॉर्बल में यूज करते हैं, इन्हें हम जैसे कि ये नायलॉन में ये 30 है, ये देखिए आप अभी तक राउंड बॉडी देख रहे थे लेकिन ये टैपर नीडल पे। टैपर नीडल में क्या रहता है कि जो अगर हम स्किन चूंकि हार्ड रहती है तो अगर हम टैपर नीडल से स्टिचिंग करेंगे तो इजिली प्रिक हो जाएगी और आसानी से हमारे जो स्किन रहेगी वो क्लोज हो जाएगी। अगर इसमें राउंड बॉडी होगी तो आसानी से क्लोज नहीं होती। ये 30 है, इस पर 20 भी आता है, नंबर 1 भी आता है,
पर ये अकॉर्डिंग टू वुंड के हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर बड़ा लॉन्ग सर्जिकल वुंड है तो हम उसमें 20 यूज़ करेंगे, अगर छोटे छोटे से वुंड है तो उसमें हम 30 यूज़ कर लेते हैं। ये नॉन एब्जॉर्बल रहता है, 1 वीक बाद हम इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको हम बहुत दिन तक स्किन में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये प्रोलीन है, प्रोलीन ये 50 है, इसमें 20, 30, 40 सभी तरीके के प्रोलीन्स आते हैं। ये 50 है और इसको जो है ना ये राउंड बॉडी में है, ये राउंड बॉडी इसलिए है, ये नॉन एब्जॉर्बल फीचर है ये, लेकिन ये राउंड बॉडी क्योंकि इंटरनल जब भी कोई वेसल्स की ब्लीडिंग्स होती है तो हम उसमें प्रोलीन का समटाइम्स यूज करते हैं ताकि ये कभी अब्जॉर्ब ना हो पाए, और वो अगर क्योंकि अगर ये अब्जॉर्ब कर गया तो मोस्ट ऑफ क्या होगा कि ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो सकती है, इसलिए उस जगह पर हम प्रोलीन का यूज़ करते हैं ताकि ये अब्जॉर्ब ना हो और वो ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट ना हो पाए। इसके अलावा प्रोलीन का हम यूज़ जो मैस रहती है, यानी कि जो सभी लोग उसको जाली कहते हैं कुछ कुछ लोग, लेकिन जो मेडिकल टर्म्स पे है वो मैस कहलाती है, जो हर्निया केसेस में यूज़ होती है मैस, तो उस मैस को फिक्स करने के लिए हम प्रोलीन का यूज़ करते हैं, ताकि चूँकि मैस भी प्रोलीन की ही रहती है इसलिए हम स्विचर भी प्रोलीन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम इस पर एब्जॉर्बल स्विचर यूज़ करेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर क्या होगी मैस हमारी डिस्प्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्क, सिल्क ये भी देखिए टैपर नेडल पे, इसको भी कई बार स्किन में यूज़ करते हैं, ड्रेन जो हम सर्जिकल प्रोसीजर्स में ड्रेन डालते हैं समटाइम्स, तो ड्रेन को फिक्स करने के लिए हम सिल्क का यूज़ करते हैं, इसमें नंबर 1 भी आता है 20 भी आता है, पर जो ड्रेन फिक्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो नंबर 1 सिल्क का ही यूज़ करते हैं। तो ये सिल्क नंबर 1 है, देखिए आप ये ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है, ये टैपर नीडल कहलाती है, ये इजीली प्रिक कर जाती है और दिक्कत भी नहीं होती है स्किन ड्रेन को फिक्स करने में। इसके अलावा ये सिल्क रोल है, इसको समटाइम्स फ्री टाई जो स्मॉल वेसल्स रहते हैं ब्लीडर्स रहते हैं उनको टाई करना है तो हम फ्री सिल्क से भी टाई कर लेते हैं, उसमें हमें नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम इसको फ्री सिल्क से टाई करते हैं। तो ये सिल्क 20 है, ये हमारे पास नीडल है कुछ इस तरीके के सेफ में रहती है नीडल, यहाँ से ये थ्रेड रहता है और ये इसका टिप है, ये राउंड बॉडी नीडल है, ठीक है, इसी तरीके से जो टैपर नीडल आती है वो यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में दिखती है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी, मोस्टली मैंने आपको सारे स्विचर्स के बारे में बता दिया है, कब कब कहाँ कहाँ पर कौन सा स्विचर्स यूज़ होता है इसके बारे में बता दिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ समझ में ना आई हो या और आपको कुछ स्विचर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं और आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू क्लास।